बच्चों जय हिंद जय हिंद। बच्चों जय हिंद जय हिंद। इतनी जोश से जब बच्चे जय हिंद बोलते हैं तो देश प्यार की भावना हम सबके अंदर जागृत हो जाती है। और आज से बाल जगत प्रोग्राम में हम एक विशेष क्विज सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 13 एपिसोड का ये प्रोग्राम होगा और इन 13 एपिसोड्स में हम कोशिश करेंगे बच्चों के ज्ञान को जांचने की भी और उन्हें कुछ ज्ञान देने की भी। आज का जो क्विज प्रोग्राम है वो कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल है। कल हमने अपना 70वां गणतंत्र दिवस मनाया। अपने संविधान के बारे में आप कितना जानते हो, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कितना जानते हो, इन विषयों पर आज हम आपसे कुछ छोटे छोटे आसान आसान से सवाल पूछेंगे। आप घबराइए नहीं, बच्चों के मन में थोड़ी सी हिचक हो रही है, भाई डरने की कोई बात नहीं है। आप सब अच्छे बच्चे हो, पढ़ने वाले बच्चे हो और हमें पता है कि हम जो भी सवाल आपसे पूछेंगे वो आपको आएंगे। हमारे पास आज इस क्विज शो में पार्टिसिपेट करने के लिए 3 टीम्स हैं और हर टीम में 4 प्रतिभागी हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं। और आज की क्विज को कंडक्ट करने के लिए हमारे साथ अमित भैया हैं। अमित भैया का वेलकम करेंगे क्लैपिंग के साथ। शुक्रिया अंजना, आपका और मेरे प्यारे दोस्तों का भी जो आज इस क्विज कॉम्पिटिशन में भाग लेने आए हुए हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आज की इस क्विज कॉम्पिटिशन में 3 राउंड होंगे। हर एक राउंड में हर एक टीम से एक एक सवाल पूछा जाएगा। जी, तो जो टीम अपनी बारी के प्रश्न का जवाब देगी उसके लिए उसे 10 अंक दिए जाएंगे। अगर निर्धारित समय में टीम जवाब नहीं दे पाती है तो वो क्वेश्चन दूसरी टीम को पास होगा। अगर वो जवाब देगी तो उसे बोनस के 5 अंक मिलेंगे। और आज की टीम में हमारी स्कोरर है सुकृति। सुकृति हमारी स्कोरर हैं और ये हिसाब रखेंगे कि किस टीम का कितना स्कोर हुआ है। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी आपका परिचय करवा देते हैं। टीम ए में हमारे साथ हैं अर्चित, आराध्या, जतिन। ये टीम ए के पार्टिसिपेंट्स हैं। टीम बी में हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं सुमैया, अवनी, समीक्षा, अवंतिका। और टीम सी के पार्टिसिपेंट्स अपना परिचय देंगे आद्या, पल्लवी, अलीशा, अस्मा। अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ प्रोग्राम में 2 नई मेहमान हैं, अस्मा और सुमैया। तो पहले हम इनका वेलकम करते हैं। तो आज की क्विज हम स्टार्ट करते हैं। टीम ए के लिए पहला सवाल। टीम ए के लिए पहला सवाल ये है, भारत ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो संविधान है, उसे कब लागू किया। आपके 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 या फिर ऑप्शन डी 15 अगस्त 1950। बच्चों आप आपस में बातचीत करके, आपको 10 सेकंड का समय है, आप मशवरा करके एक ही जवाब दीजिए। 26 जनवरी 1950। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। टीम ए ने अपना पहला जवाब बिल्कुल सही दिया है, इनके लिए जोरदार तालियां। अब टीम बी से उनका पहला सवाल हम पूछेंगे। तो टीम बी से पहला सवाल है, किसे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बीआर अंबेडकर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। आपके पास केवल 10 सेकंड है जवाब देने के लिए, आप आपस में मशवरा भी कर सकते हैं। बी आर अम्बेडकर। बिल्कुल सही जवाब। तो टीम बी ने भी अपना पहला जवाब जो है बिल्कुल सही दिया है, भारत रत्न बी आर अम्बेडकर। जी हाँ, इन्हें ही फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों टीम बी के लिए जोरदार तालियां। अब आ रही है टीम सी की, तो आइए पूछते हैं टीम सी से उनका पहला सवाल। गणतंत्र दिवस की परेड में न्यू दिल्ली में
सलामी कौन लेता है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी दिल्ली के गवर्नर, या डी भारत के रक्षा मंत्री? राष्ट्रपति। बिल्कुल सही जवाब। तो पहले राउंड के बाद क्या स्थिति है, आइए जानते हैं हमारी स्कोरर सुकृति से। टीम ए के हैं 10 अंक, टीम बी के भी 10 अंक और सी के भी 10 अंक। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही अच्छा चल रहा है, तीनों ही टीमें बिल्कुल बराबरी पर हैं। अब बारी है राउंड बी की। तो राउंड बी में हम आपको कुछ क्लिप सुनवाएंगे, ऑडियो क्लिप सुनवाएंगे, आपको बताना है कि ये सॉन्ग किसने लिखा है, इसके गीतकार कौन है। तो सबसे पहले बारी है टीम ए की। टीम ए अपना सॉन्ग ध्यान से सुनिएगा और इसके ऑप्शंस में आपको ऑडियो क्लिप खत्म होने के बाद दूंगा और आपको बताना है कि ये सॉन्ग किसने लिखा है। सारे जहां से अच्छा तो टीम ए ने अभी अभी अपनी ऑडियो क्लिप सुनी है, अब टीम ए हमें बताएगी कि ये सॉन्ग किसने लिखा है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, या ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। आपके पास हैं 10 सेकंड्स सोचने के लिए और जवाब देने के लिए। एक बार फिर, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। हाँ। बिल्कुल सही जवाब, इन्होंने कहा मोहम्मद इकबाल, इनके लिए जोरदार तालियां। सारे जहां से अच्छा लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। अब टीम बी से अगला सवाल। टीम बी, आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाई जाएगी, आप ये ऑडियो क्लिप सुन सकते हैं। तो टीम भी अभी अभी अपनी ऑडियो क्लिप सुनी, ये सॉन्ग है वंदे मातरम। तो आपको बताना है ये सॉन्ग किसने लिखा है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। बंकिम चंद्र चटर्जी। बिल्कुल सही जवाब, वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और बच्चों आपको पता है कि ये जो सॉन्ग है वंदे मातरम, ये हमारा नेशनल सॉन्ग भी है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं टीम सी की ओर और पूछते हैं उनसे इस राउंड का आखिरी सवाल। टीम सी, क्या आप तैयार हैं? जी भैया। तो टीम सी, अब आपकी जो ऑडियो क्लिप है वो आपको सुनवाई जाएगी। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये सॉन्ग किसने लिखा है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी रामप्रसाद बिस्मिल, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। राम प्रसाद बिस्मिल। बिल्कुल सही जवाब। तो टीम सी से अस्मा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इन्होंने अपनी टीम को बाकी दोनों टीमों के भी बिल्कुल लेवल पर ला दिया है। और आपको बता दें कि ये जो सॉन्ग है ये राम प्रसाद बिस्मिल ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिखा था और इस सॉन्ग ने उस समय युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा जोश भर दिया था आज़ादी की लड़ाई लड़ने का। तो दोस्तों अब मैं अपनी स्कोरर सुकृति को एक बार फिर से बुलाऊंगा और उनसे जानेंगे कि दूसरे राउंड के बाद टीम्स का क्या स्कोर है। टीम ए के हैं 10 अंक,
टीम बी के हैं 10 अंक और टीम सी के, टीम ए के अब 20 हो गए ना काउंट, 20 टीम ए के हैं 20 अंक, टीम बी के भी 20 और टीम सी के भी 20 अंक हैं। तो तीनों ही टीमें बिल्कुल बराबरी पर हैं। अब है फाइनल राउंड और दिख रहा है कि कंपटीशन जो है वो बहुत ही ज्यादा क्लोज हो चुका है क्योंकि तीनों ही टीमें बराबरी के स्कोर पर हैं। तो चलिए इस माहौल को थोड़ा रिलैक्स करते हैं फाइनल राउंड खेलने से पहले और आपको सुनवाते हैं ये जोश भरा देश प्रेम का गीत। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले, जय हो आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले, नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है, आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सारी तारे नीले आसमान के तले, जय हो शोपे गाँव, जय हो गाँव में दे, जय हो खाने दे, जय हो बेगों दे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर इस म्यूजिकल ट्रैक के बाद। अब इस क्विज कंपटीशन में हम खेलेंगे
आज का फाइनल राउंड। जी हाँ, पहले दो राउंड्स की समाप्ति पर मैं आपको बता दूं कि तीनों की तीनों टीमें ही बराबरी के 20-20 अंक पर हैं और अब फाइनल राउंड में जो मुकाबला है वो टक्कर का होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फाइनल राउंड की टीम ए से। पहला जो सवाल है टीम ए से है और ये सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। टीम ए आपके पास है केवल 10 सेकंड। ऑप्शन ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बिल्कुल सही जवाब। जतिन ने टीम ए से बिल्कुल सही जवाब दिया है, बाल गंगाधर तिलक। ये उन्होंने नारा दिया था कि आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, और इस नारे ने युवाओं के अंदर और सभी भारतीयों के अंदर बहुत ज्यादा जोश भर दिया था आजादी को लेकर। तो दोस्तों, अब अगला सवाल है टीम बी से। तो टीम बी, क्या आप तैयार हैं? जी भैया। तो अगला सवाल आपसे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद या ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। फर्स्ट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन वन था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद या ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल सही जवाब। अवंतिका ने बिल्कुल सही जवाब दिया है टीम बी से, और जवाब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आपको तो पता ही है, नेताजी ने हमारी देश की आज़ादी में एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। और अब बारी है टीम सी की। तो टीम सी, आपसे जो सवाल है वो है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। भगत सिंह। गलत जवाब। अब ये जो है पास ऑन होकर जाएगा टीम ए के पास। टीम ए के पास मौका है कि वो सही जवाब देकर 5 और अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो टीम ए, क्या आपको इसका जवाब पता है? सवाल है, करो या मरो का नारा किसने दिया था, डू और डाई? ऑप्शन ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। चंद्रशेखर आजाद। जी नहीं, ये भी गलत जवाब। अब मौका है टीम बी के पास। टीम बी इस सवाल का सही जवाब देकर आज का ये क्विज जो है अपने नाम कर सकती है। तो आखिरी मौका है टीम बी के पास। भगत सिंह। जी नहीं, बिल्कुल गलत जवाब। इस सवाल का जवाब तीनों ही टीमों ने गलत दिया है। सवाल था कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, और इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। जी हाँ, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह नारा दिया था। तो दोस्तों, तीसरा राउंड खत्म होने के बाद क्या स्कोर है, आइए जानते हैं सुकृति से। टीम ए के हैं 30 अंक, टीम बी के हैं 30 अंक और टीम सी के हैं 20 अंक। जी हाँ, और इसी के साथ तीसरे राउंड की समाप्ति पर टीम ए और टीम बी बराबरी के स्कोर पर हैं 30-30 अंक के साथ, और वहीं टीम सी जो है वो सिर्फ 20 अंक के साथ हैं। टीम सी ने बहुत अच्छा खेला, टीम सी के लिए सभी जोरदार तालियां बजाएं। और अब आपने देखा कि टीम ए और टीम बी के बीच में टाई हो चुका है, दोनों के बराबर के अंक है, टीम सी कंपटीशन से बाहर हो चुकी है। और अब एक फाइनल टाई ब्रेकर सवाल जो है वो पूछा जाएगा, जो भी टीम इसका पहले जवाब देगी वो इस क्विज कॉम्पिटिशन की विजेता आज बन जाएगी। तो सवाल है, भारतीय तिरंगे में मौजूद अशोक चक्र में कितने स्पोक्स होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। और आपको बता दें कि दोनों ही टीमों ने सही जवाब दिया और बिल्कुल सही समय पर दिया, बिल्कुल बराबर के समय पर दिया। तो आज की हमारी इस क्विज कॉम्पिटिशन में दोनों ही टीमें ज्वाइंट विजेता हैं। तो आप दोनों टीमें दोनों अपने अपने लिए तालियां जोर से बजाइए। तो इसके साथ ही आज का हमारा ये स्पेशल क्विज प्रोग्राम का पहला एपिसोड समाप्त होता है। आज की क्विज में जिन बच्चों ने भाग लिया उनके नाम हैं जतिन, अर्चित, आराध्या, अकृति, सुमैया, अवंतिका, अवनी,
समीक्षा आद्या पल्लवी अलीशा अस्मा। तो इन सब बच्चों के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। जो बच्चे आज घर बैठे हमें सुन रहे हैं उन्हें हम बताना चाहेंगे कि हम 13 एपिसोड की ये क्विज सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आज इसका पहला एपिसोड था। वो बच्चे जो इस क्विज प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं वो शुक्रवार को 3 बजे रेडियो कश्मीर जम्मू के स्टूडियोज में आ सकते हैं, उन्हें भी मौका दिया जाएगा। तो आज का ये क्विज प्रोग्राम समाप्त करते हैं। अमित भैया को धन्यवाद कहेंगे। थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच। आप सबके साथ क्विज करके बहुत मजा आया और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले एपिसोड्स में भी और भी बेहतरीन बच्चे आएंगे और हम इसी तरीके से इस क्विज सीरीज को सक्सेसफुल बनाएंगे। तो आज के प्रोग्राम का समय भी अब समाप्त हो रहा है। एक बार सब मिलकर बोलेंगे जय हिंद।